प्रदेशों में फंसे श्रमिकों को स्पेशल ट्रेन से रायपुर लाया जा रहा है। लखनऊ से स्पेशल ट्रेन 46 श्रमिकों को लेकर रायपुर पहुंची। इसके पहले भाटापारा में लगभग 1000 श्रमिक उतरे थे। स्टेशन पर यात्रियों को सुरक्षित सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उतारा गया। रेलवे स्टेशन पर उनका चेकअप भी किया गया। कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ के फंसे श्रमिकों के लिए राज्य सरकार ने एक राहत भरा फैसला लिया था। और अब देख सकते हैं कि लगातार ट्रेनें बढ़ा करके बुला करके अन्य राज्यों में फंसे हुए जो श्रमिक है उन्हें अपने राज्य बुलाया जा रहा है। लगातार इस तरीके से ट्रेन बुलाई जा रही है, श्रमिक स्पेशल ट्रेन इस वक्त मौजूद है राजधानी के रेलवे स्टेशन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि अभी कुछ देर पहले ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन लखनऊ से मजदूरों को लेकर के आई है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में मजदूर तो कह नहीं सकते, लेकिन रायपुर रेलवे स्टेशन में करीब सैकड़ों की संख्या पर मजदूर उतरे हैं, जहां उतरने के बाद तत्काल रूप से सरकार द्वारा यहां पर व्यवस्था कराई गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहां पर इनका रैपिड टेस्ट कराया जा रहा है। रैपिड टेस्ट कराने के बाद इनको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बराबर लाइन बाय लाइन इनको रखा गया है, उनका रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद उन्हें तत्काल बस में बैठा करके और उन्हें क्वारंटीन सेंटर पे रखा जाएगा। जो मजदूर लौटे उन्हें एहतियात बरतने के लिए करीब करीब 14 दिन तक क्वारंटीन सेंटर पे रखा जाएगा। और इस दौरान वहां पर सभी सावधानी की व्यवस्था रखी गई है, वहां पर भी टेस्ट किया जा रहा है मजदूरों का लगातार। और उनमें किसी प्रकार के सिम्टम्स दिखते हैं अगर कोरोना से जुड़े हुए तो उन्हें एम्स में भर्ती कराया जाएगा। और आपको मैं दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिला प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद है मौके का जायजा लेने के लिए। किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन द्वारा स्टॉल लगाए गए यहाँ पर, जितने मजदूरों का टेस्ट किया जा रहा है उन्हें लगातार ये राहत सामग्री देने के साथ उन्हें बस पे बैठाया जा रहा है। इसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं SDM, जिला पंचायत CEO, कलेक्टर से लेकर के सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। बराबर एक एक चीजों को देखा जा रहा है, उनका किस प्रकार से टेस्ट किया जा रहा है, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है, इसे लगातार नजरें बनाए हुए जिला प्रशासन अधिकारी। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आज ये दूसरी ट्रेन आई है मजदूरों को लेकर के रायपुर रेलवे स्टेशन, इसी प्रकार लगातार आने वाले दिनों पर भी और कई ट्रेनें आ रही हैं दूसरे दूसरे राज्यों से। और ये कहीं ना कहीं अच्छी एक राहत भरी खबर है दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए। कैमरामैन श्याम पटेल के साथ शिवम मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस। सतना में लॉकडाउन के कारण एक तो महिला